यूपी में निवेश की तैयारियां तेज। जीएस 2023 के लिए आज बेंगलुरु में योगी सरकार का रोड शो। लक्ष्य से दोगुना इन्वेस्ट कराने के करीब पहुंची सरकार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती आज। सीएम योगी नेताजी की प्रतिमा पर करेंगे माल्यार्पण। लखनऊ मंडल के प्रतिनिधियों के साथ करेंगे बैठक। ज्ञान व्यापी विवाह से जुड़े दो मामलों में आज होगी जिला अदालत में सुनवाई। नई तारीख मिलने की है उम्मीद। सोशल मीडिया पर अपने नाम पर चल रहे ट्रेंड पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने दिया जवाब। कहा, मैं दल से बड़ा नहीं, मेरा समर्पण और निष्ठा प्रमाण। उन्नाव में तेज रफ्तार डंपर ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा। सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत। सीएम योगी ने हादसे पर जताया दुख। लखनऊ बुधेश्वर पेट्रोल पंप पर टला हादसा। पेट्रोल पंप टूटी, पेट्रोल डलवाकर बिना पैसे दिए भागते हुए सीसीटीवी में कैद हुई घटना। गाजियाबाद में एलिवेटेड रोड पर रेल बनाती युवती का वीडियो वायरल। पुलिस ने काटा 17,000 का चालान। नोएडा के सेक्टर 58 और एफएनजी रोड पर पुलिस की बदमाशों के साथ दो अलग अलग मुठभेड़। एनकाउंटर में दो बदमाश घायल, दो गिरफ्तार। लूटे गए मोबाइल और बाइक बरामद। नोएडा के सेक्टर 98 के पास पुलिस को बड़ी कामयाबी। एनकाउंटर के बाद तीन बदमाश गिरफ्तार। एक कार, 86,000 रुपए और 3 तमंचा बरामद। बागेश्वर धाम पर विवाद बरकरार। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, चमत्कार दिखाना जादूगरों का काम। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उतरे बीजेपी के नेता। गिरिराज सिंह बोले, सनातन को गाली देना बना फैशन। धीरेन्द्र शास्त्री पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, पाखंड और अंधविश्वास की आड़ में देश में भेद फैलाने की कोशिश, ऐसे लोगों पर कार्रवाई हो। परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखे जाएंगे किस द्वीपों के नाम। पीएम मोदी आज करेंगे ऐलान। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में होंगे शामिल। राजस्थान के फतेहपुर में कार और ट्रक में भीषण टक्कर। हादसे में 5 लोगों की मौत। जी मीडिया की खबर का दिखा असर। दुर्ग में बाइक पर रोमांस करने वाले कपल को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सीरिया के अलेप्पो शहर में गिरी 5 मंजिला इमारत। हादसे में कम से कम 10 लोगों की गई जान। पेरो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर दागे आंसू गैस के गोले। लोगों ने किए 200 लोगों की रिहाई की मांग। रेड के दौरान लिए गए थे हिरासत में। सोमालिया के मोगदिशु में आतंकी हमला। सरकारी इमारत के पास हुआ ब्लास्ट। करीब 6 लोगों की मौत। लंदन में लूनर न्यू ईयर की धूम। कोरोना के बाद पहली बार मनाया गया जश्न। लंदन के वेस्ट एंड में भी हजारों की संख्या में जुटे लोग। पैट कमिंस ने सचिन और विराट में से विराट को बताया बेहतर खिलाड़ी। साथ ही खिलाड़ी के सवाल पर दिया जवाब।